नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत तिथि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो किताबों से दूर जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ लिए हैं और पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, और जो विद्यार्थी जीवन था वो विद्यार्थी जीवन से लगता है छात्र जो हैं अलग हो गए हैं। क्या मैं सच कहा? देखिए, शिक्षा व्यवस्था का जो दोष है हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां है उसके बारे में विस्तार से अगर कहा जाए तब तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जी। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। पहले अपना परिचय दे दे। मैं हीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 साल से जी। तो शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां है उसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, शिक्षा का प्रारंभ तो पहले जो बच्चों का अपने परिवार में शुरू होता है, तो पहले का जो परिवार होता था जॉइंट फैमिली, उसमें दादा दादी नाना नानी ये लोग बच्चों को अच्छा संस्कार देते थे। रामायण महाभारत पुराण पंचतंत्र ये सब की कहानियाँ बताते थे, उनमें संस्कार का निर्माण करते थे। तो पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण और अनुसरण करने से हमारी वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो तो समाप्त हो गया। अब बच्चों को परिवार में अच्छा संस्कार या अच्छी शिक्षाएं मिलती नहीं है। आजादी के बाद दुर्भाग्य से भारत में ऐसी सरकार बनी जो भारत की उस प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो अत्यंत गौरवमय रही है उसको पुनर्स्थापित करने की तो बात दूर, आज के जनरेशन को उसके बारे में बताया तक नहीं जाता है, सिलेबस में कोई उल्लेख नहीं है। विश्व का सबसे प्राचीन व्याकरण जो पाणिनि का भाषा तत्व, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है जिस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, आज कितने स्टूडेंट्स को ये सब पता है कि भारत का क्या क्या देन है वर्ल्ड को, सारा चीज़ों का पहला कॉन्सेप्ट भारत ने दिया। और भारत का ज्ञान विज्ञान और सभ्यता संस्कृति तो इतनी ऊंचाई पर उस समय थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो महाभारत काल के बाद ये धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ भारत का, महाभारत काल के बाद, और डाउनफॉल सबसे तीव्र गति से तब हुआ जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। और पहले तो अरब और टर्की मूल के लोगों ने आक्रमण करके भारत के बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों को, मंदिरों को नष्ट कर दिया, जो शिक्षा केंद्र थे भारत के वो सबको नष्ट कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने आकर के भी अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पर चलाया। और स्वतंत्रता के बाद दुर्भाग्य से भारत में जो सरकार बनी उसको भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय परंपरा, भारत का जो धरोहर है, जो मूल्य है, आदर्श है, यहाँ की जो ज्ञान विज्ञान है, वो सबसे कुछ लगाव था नहीं, वो तो पश्चिमी दुनिया पश्चिमी सभ्यता के कायल थे। तो उन लोगों ने इस तरह से भारत का की शिक्षा व्यवस्था का वैसा नींव रखा जिसके कारण आज ये हालत आपको दिखाई पड़ रहा है। चरित्रहीनता भारत में फैल गया है, जो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जो मॉडर्न शिक्षा में खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सोशल ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन और यही सब मेडिकल साइंस और यही सब पढ़ेगा वो तो पैसा कमाने का जरिया है। आजकल तो वही है कि रातों रात जो है आप करोड़ों में कमाइए, बस यही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। भट्टाचार्य जी, एक सवाल है कि आज हमारे समाज में जो है बच्चों में जो है सदाचार सद्गुण ये सभी जो हैं घटते जा रहे हैं, बच्चे जो हैं केवल पास करने के लिए ही एडमिशन लेते हैं और डिग्री मिलता है पास हो जाते हैं, बस इतना ही, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है। और जो शिक्षा का ज्ञान का मंदिर जो स्कूल होते थे वो जो है, और गुरुकुल परंपरा जो था वो ख़त्म हो गया भारत में, और कॉर्पोरेट स्कूल्स खुल गए हैं, और कॉर्पोरेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं उनके गार्जियन लाखों रुपये सालाना फी देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं दैनिक दिनचर्या भी ठीक से नहीं करते हैं, और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति जो भी है उससे भी दूर हैं। और दैनिक दिनचर्या ऐसा कहूँ कि क्या कहते हैं, जैसे सुबह में रोज़ स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, शिक्षकों का आदर करना चाहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सभी संस्कार जो हैं वो गायब हो रहे हैं। और दूसरी बात है, स्कूल में शिक्षक जो है वो भी मतलब
शिक्षा क्या, केवल उनका ध्यान केवल रहता है फी वसूलने में स्कूलों का, और क्या कहते हैं आदर्श शिक्षकों का भी बहाली नहीं हो पाता है। और ये अभी कोरोना काल होने के कारण क्या हुआ कि छात्र तो फी देते हैं लेकिन शिक्षकों को वो जो मुनासिब वेतन होना चाहिए वो वेतन भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे शिक्षकों का परिवार भूखे अभी जी रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे संभले, और बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, बदहाली है। और रही बात की शिक्षकों को कहा गया है शिक्षा का ज्ञान के मंदिर का स्तंभ, और ज्ञान का मंदिर ही अगर उनको वेतन समय पर नहीं मिलेगा और वो आर्थिक कर्ज में डूबे रहेंगे तो फिर शिक्षा का मंदिर तो शिक्षा का मंदिर नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा तो एक व्यवसाय बन गया है जी। अब प्राचीन भारत में या मध्यकाल में भी शिक्षा जो है व्यवसाय नहीं था, इसको व्यवसाय बनाया गया है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी एक कमी है। और एक बात और, शिक्षा तो का अपराधीकरण भी हो रहा है। जो शिक्षाविद है वो नहीं आ रहे हैं, अपराधी लोग क्रिमिनल्स लोग स्कूल बैठ करके स्कूल खोलकर बैठ गए हैं, और अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, चाहे सरकारी हो चाहे कॉरपोरेट हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। उसका कारण वही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। जब किसी चीज़ का व्यवसायीकरण होता है तो उसमें इस तरह के अवमूल्यन और इस तरह के तत्व आ ही जाते हैं, क्योंकि अब तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे देश में वो तो पैसा कमाने का एक जरिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके माध्यम से शिक्षित लोग हो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का शिक्षित हो रहे हैं? केवल रोजी रोटी कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, ये जो व्यावहारिक जो एक शिक्षा का जो व्यावहारिक पक्ष है उसमें तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असली अर्थों में जो शिक्षा होना चाहिए वो तो है नहीं। छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं हो रहा, वैसी शिक्षा नहीं है, वैसे स्कूल्स की किताबों में पाठ्यक्रम नहीं है, और शिक्षक जो है या स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसका भी नहीं है कि बच्चों में चरित्र निर्माण हो। तो इसके लिए तो देखिए, कोई एक व्यक्ति के प्रयास से ये तो होने वाला है नहीं, इसके लिए पूरा समाज को जागरूक होना होगा, बच्चों के माता पिता को भी जागृत होना होगा, और प्रशासन तथा सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शिक्षा का जो इस तरह का व्यवसायीकरण है अंधाधुंध, इसको रोका जा सके। उसके लिए समाज को भी सोचना होगा, प्रशासन और सरकार को भी सोचना होगा, नहीं तो फिर भविष्य में शिक्षा जिस प्रकार से व्यय बहुल हो गया है, खर्चीला हो गया है, उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना संभव ही नहीं होगा। और एक बात और, अगर समाज में बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, विद्या का मंदिर, ज्ञान का मंदिर अगर विद्या मंदिर नहीं रहेगा, और क्या कहता है शिक्षा माफिया का अड्डा अगर बन जाएगा, तो फिर क्या कहता है समाज में बच्चे अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो फिर समाज में अच्छे नागरिक नहीं रहेंगे, और समाज में अपराध बढ़ता ही जाएगा। चरित्र का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। उसके लिए देखिए, उसके लिए केवल स्कूल कॉलेज की शिक्षा पर नहीं, सबसे पहले तो व्यक्ति, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को परिवार में अच्छा शिक्षा दे। कुछ 5 से 6 साल तक बच्चों को अपने पास रख करके परिवार में अच्छा संस्कार दे, फिर स्कूल में भेजे, और उनको चरित्र निर्माण संबंधी और देश प्रेम जागृत हो ऐसा शिक्षा का सिलेबस या पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा सरकार को, तभी जाकर के शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। साथ ही साथ गीता प्रेस की जो किताबें हैं बच्चों के लिए, वो किताबें भी उन्हें बच्चों को उपहार स्वरूप दी जानी चाहिए, घरों में स्कूलों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी। मैं रंजन कुमार, अमृत दी, अमृत दी न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार।